हमारे साथ है कर्नल जेके सिंह, एसपी एसटीएफ हैं, साथ ही साथ सैप 2 के कमांडेंट हैं। हम इनसे बात करेंगे, अपना काम तो ये करते ही हैं, साथ ही साथ एक गुड समैरिटन का रोल इन्होंने प्ले किया है। जो जुवेनाइल होम्स होते हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन और सुधार के लिए इन्होंने किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं रखा। इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि ये मोटिवेशन उनको कहाँ से आया कि ये काम करना है और आगे उसमें और क्या सुधार की गुंजाइश, ये देखते हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। कर्नल सिंह, ये बताइए कि कब से ये काम कर रहे हैं कि आप तो यहाँ, इसमें हमको लगता है कि आप सीजन्ड कैंपेनर 31 साल से आर्मी में। जी हाँ, मैं सेना में 31 साल से हूँ और यहाँ आने के बाद पिछले साल 6 जुलाई को ये एक असाइनमेंट आ रहा था और मुझे लगा कि जब हम सरहद पर रह करके देश के दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं तो समाज के अंदर रह करके अपराध का भी खात्मा करना चाहिए और इसमें मुझे पहल लेनी चाहिए। और फिर यह ड्यूटी मैंने संभाला। आज तकरीबन 12 संप्रेषण गृह हैं पूरे झारखंड में और उसमें से 6 पहले फेज में मुझे मिला है, जो कि रांची में है, हजारीबाग में है और जमशेदपुर में है, दुमका में है और धनबाद में है, 2 गृह ऐसे। और इसके लिए सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा का एक वृहत रोल मैंने सोचा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा में जो तैनात जवान है वो सिविलाइजेशन का आखिरी किनारा है, द लास्ट एलिमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। उस बच्चे के लिए अगर वो बुरा है तो उसके लिए सारी दुनिया बुरी है और अगर वो अच्छा है तो उसके लिए सारी दुनिया अच्छी है। इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैंने इस रोल को निभाने के प्रयास में मैंने सबसे पहले जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर SN पाठक, उनसे मिला, ऑनरेबल जस्टिस, और उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, उनसे मिला। उसके बाद महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के प्रधान सचिव और विशेष सचिव, उनसे मिला। और मुझे हौसला अपने पुलिस के नेतृत्व से भी बहुत मिला। सर, किस तरह की कमियां वहां आपने देखी और अब क्या कर रहे हैं, मतलब वहां किस तरह से जो है उसमें जो है आप अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं? उसमें अलग अलग मेरा विजन यह रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे NCC ट्रेनिंग या ये जो इवन दीवार का जो रंग है वो लाल इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश हुकूमत आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम को दबाना चाहते थे, इसलिए इसका अंदरूनी रंग भी साफ होना चाहिए। NCC ट्रेनिंग, उसके अलावा स्किल ट्रेनिंग, इस तरह की चीजों पे जोर देने की जरूरत है, मेरा फोकस है। और इसमें हमने अलग अलग आयाम लिए हैं, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग, सेना के प्रति काफी रुझाव है इन बच्चों में और इसलिए हमने एक स्पेशल रूटीन बनाया उनके लिए। मॉर्निंग में PT कराते हैं, बहुत हार्ड PT कराते हैं, उसके बाद कुछ सामान्य ज्ञान के क्लासेस भी कराए, उसके बाद साइकोलॉजिकल तौर पे बिल्ड करने के लिए कुछ एक ऐसा माना जाता है मनोवैज्ञानिक तौर पे कि जब आप दिन में सुबह उठें within 5 minutes अगर आप कोई शपथ लेते हैं तो आप पूरे दिन का चार्ज अपने हाथों में ले लेते हैं, यू आर ऑन द स्टेयरिंग ऑफ द डे। तो इस तरह से मैंने एक शपथ बनाया और साथ ही असीम क्षमता है सबकॉन्शियस माइंड की, इसलिए सोते समय अगर कोई प्रेयर ऐसा किया जाए कि आज का दिन मेरा अच्छा रहा, आने वाले समय में अच्छा करूंगा, तो इस तरह से असीम ऊर्जा जो है सुषुप्तावस्था की उसको भी जगाया जा सकता है। यानी आप जो है उनको ब्राइटर साइड, जो ब्राइट है साइड, उधर ले जाना चाहते हैं और उनके माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं इन चीजों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, हर अच्छी चीज उन्हें बताना चाहता हूं और इसी तहत में मैंने आने के सीधे बाद परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, टाइगर हिल जिन्होंने फतह किया था, उनको, उनके साथ में सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई मैंने तमाम बच्चों की। तकरीबन 2500 बच्चे थे, मैं ही संचालन कर रहा था और 1 घंटे का कार्यक्रम था, लेकिन इन बच्चों में इतना जोश था, इतनी जिज्ञासा थी कि वह तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट तक चलाना पड़ा। उसके बाद मैंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटबॉल के सुबोध कुमार हैं जो रांची के ही हैं, और उनको बुलाया, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो इतने गरीब थे कि वो हाट में चने बेचते थे और चना बेचने के लिए उनके पास कोई टेबल कुर्सी नहीं था, अखबार के ऊपर रख के बेचते थे। 17 किलोमीटर जाते थे, फुटबॉल खेलते थे और 17 किलोमीटर फिर साइकिल चलाते थे। उन्होंने कहा कि गरीबी अपराध का कारण कभी नहीं हो सकती, अगर जज्बा है तो आप जीत सकते हैं लड़ाई जीवन की।